Good morning, dear children. Hope you all are doing good. So today, we are going to start a new chapter of our book, that is chapter 6, Changes Around Us. In this part, we will see what are the changes that we see in our daily lives, what are their types, okay, and how they take place, okay? Let's start with our chapter. Okay, so इन अवर डेली लाइफ वी ऑब्जर्व मैनी चेंजेस अराउंड अस, है ना, बहुत सारे चेंजेस देखते हैं हम अपने आसपास, बहुत सारे. सुबह जो देखते हैं शाम को वो चीज़ बदल चुकी होती है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, चेंजेस इन वेदर. अभी आप देख रहे होंगे हमारा वेदर कैसे चेंज हो जाता है, बिल्कुल, है ना. सुबह बिल्कुल धूप निकली होती है और शाम होते होते बारिश हो जा रही है अभी, है ना. देन अक्रेंस ऑफ डे एंड नाइट, ये तो बहुत ही कॉमन चेंज है जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, ठीक है, और जिसमें बिल्कुल भी डिले नहीं होता है, ठीक है. क्या होता है, सुबह डे हुआ, अर्थ के रोटेशन की वजह से हमें पता है हमारा अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे क्या करता है, रोटेट करता है, ठीक है. तो जब वो रोटेट करते हुए जब हमारे वाले पार्ट पे जब सनलाइट पड़ती है तो हमारे यहाँ डे हो जाता है, ठीक है. और जब अर्थ रोटेट करते करते जस्ट ऑपोजिट चला जाता है सन के, लाइट के, जहाँ पे उस पर लाइट नहीं पड़ती, देन वी ऑब्जर्व नाइट, है ना. देन कुकिंग ऑफ फूड, हमारी मम्मी खाना बनाती है घर पे, बहुत सारी चीज़ें बनाती है, वो हम चेंजेस देखते हैं. जैसे रॉ मटेरियल्स थे, वो पहले रॉ मटेरियल्स क्या थे, देन वो बनने के बाद क्या हो गया. ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स, बर्निंग ऑफ वुड, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स अंडरगोज अ चेंज, ठीक है. इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं सब में चेंज आता है, ठीक है. और ड्यूरिंग अ चेंज, चेंज किस में हो सकता है, शेप में हो सकता है, साइज में हो सकता है, पोजिशन में हो सकता है, कलर में हो सकता है, स्टेट में हो सकता है, इंटरनल स्ट्रक्चर में हो सकता है, ठीक है. इन सब के हम एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है. अ चेंज इन शेप, ठीक है, चेंज इन शेप, चेंज इन साइज, चेंज इन पोजीशन. जो मैंने अभी अर्थ का आपको एग्जांपल दिया रोटेशन वाला, उसमें क्या हो रहा है, अर्थ की पोजीशन चेंज हो रही है ना, तभी हमारा जो डे एंड नाइट है वो हो रहा है, ठीक है. देन कलर, स्टेट और इंटरनल स्ट्रक्चर, अंदर का स्ट्रक्चर, ठीक है. सो सम ऑफ द चेंजेस अकरिंग अराउंड अस आर नेचुरल एंड बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स. हमारे आसपास जितने भी चेंजेस होते हैं उनमें से कुछ चेंजेस क्या होते हैं, नेचुरल होते हैं. यस, नेचुरल होते हैं. नेचुरल चेंजेस वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर है, ह्यूमन बींग्स उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल चेंजेस. फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, कैन यू सी दिस, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है. इट इज़ अ नेचुरल चेंज, जो क्लाउड का फॉर्मेशन होता है स्काई में, दैट इज़ अ नेचुरल चेंज. देन फ्लावरिंग, फ्लावरिंग जो होती है प्लांट्स में, है ना, पहले वो कली निकलती है, बर्ड ग्रो करता है, देन वो धीरे धीरे इट ब्लूम्स इनटू अ फ्लावर, उसमें से फ्लावर ब्लूम करता है, ठीक है. सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट अंडर अवर कंट्रोल. हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं क्या, फ्लावरिंग को नहीं कर सकते. सो दिस इज़ ऑल्सो अ नेचुरल चेंज. देन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, पेड़ों पे पहले क्या होते हैं, फूल आते हैं पहले, तो फूल से फिर वो छोटे छोटे फल लगते हैं, ठीक है. फल लगने के बाद जब वो एक पर्टिकुलर साइज में पहुंच जाते हैं, देन दे स्टार्ट राइपनिंग, पकने लग जाते हैं. राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स मतलब फ्रूट्स का पकना, ठीक है. तो ये सब हमारे कंट्रोल में है क्या, नहीं, ये सब अपने आप होता है, नेचर में होता है, ठीक है, वी कांट कंट्रोल इट. देन अवर हार्ट बीट, यस, अवर हार्ट बीट इज ऑल्सो अ नेचुरल चेंज, बीटिंग ऑफ अवर हार्ट, ठीक है. हमारा जो दिल धड़कता है ना, आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, है ना, हमारी बॉडी के अंदर ज़रूर है, बट वी कांट कंट्रोल इट, ओके. सो इट इज़ ऑल्सो अ नेचुरल चेंज. देन अपार्ट फ्रॉम दिस, अक्रेंस ऑफ डे एंड नाइट, ओके. देन फॉर्मेशन ऑफ ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स जो बनते हैं, है ना, जो बर्फ़ की नदियाँ बनती हैं, वो बर्फ़ जो पिघलती है एंड देन वापस जमती है पोलर कैप्स में, दैट इज़ ऑल्सो अ नेचुरल चेंज, ओके. देन वेदरिंग ऑफ रॉक्स, वेदरिंग ऑफ रॉक्स मतलब जो रॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं, धीरे 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 घिसते जाते हैं, ठीक है, ड्यू टू एक्शन ऑफ विंड, वाटर, ठीक है. उनके सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे 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 क्या होते हैं, वेदर्ड होने लगते हैं, ठीक है, घिसने लगते हैं, उसको हम बोलते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स. तो ये वेदरिंग ऑफ रॉक्स जो बहुत बहुत ही स्लो प्रोसेस है, लेकिन नेचुरल प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है, जो रॉक का जो साइज़ होता है, शेप होता है, वो चेंज हो जाता है आफ्टर मेनी ईयर्स, है ना, क्योंकि वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, घिस रहा है ड्यू टू एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर, ओके.
सो ऑल दीज आर नेचुरल चेंजेस विच वी ह्यूमन्स कांट कंट्रोल. ओके, देन नेक्स्ट वी हैव ह्यूमन मेड चेंजेस. नाम से पता चल रहा है, ऐसे चेंजेस जो हमारी वजह से होते हैं, वी आर रिस्पॉन्सिबल. ओके, दीज चेंजेस अकर ड्यू टू ह्यूमन एफर्ट्स, दीज आर कॉल्ड ह्यूमन मेड चेंजेस. फॉर एग्जाम्पल, कुकिंग ऑफ फूड. जैसे मैंने बताया था, आपकी मम्मी घर पे खाना बनाती हैं, है ना. खाना बनाती है तो क्या होता है, जैसे सब्जी बना रही हैं, वो पहले क्या लेती हैं, वो रॉ वेजिटेबल्स लेती हैं, स्पाइसेस लेती हैं, ऑयल लेती हैं, ठीक है. और कुकिंग करने के बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलता है, जो सब्जी मिलती है, दैट इज़ टोटली डिफरेंट जो हमने शुरू में लिया था आइटम्स, है ना, उससे बिल्कुल अलग हो जाती. अब ये चेंज कैसे आया, हमने किया, खुद से सब्जी नहीं बनती है ना, कि हमने बस रख दिया सब साथ में लाइन से और वो अपने आप बन गई, नहीं. दिस चेंजेस मेड बाय अस. ओके, सो इट इज़ अ ह्यूमन मेड चेंज. देन बर्निंग ऑफ ऑयल, यहाँ दिख रहा है आपको बर्निंग ऑफ ऑयल, हम दिए जलाते हैं ना दिवाली में, बर्निंग ऑफ ऑयल जो है, इट इज़ ऑल्सो ह्यूमन मेड. जब तक हम उसको हीट नहीं देंगे तब तक वो जलेगा नहीं, ठीक है. देन वीविंग ऑफ क्लॉथ, मतलब जितने भी काम हम करते हैं ना अपने हाथों से, ठीक है, और उससे कुछ एक चेंज आता है चीज़ों में, दैट इज़ अ ह्यूमन मेड चेंज. ओके, देन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, जो हम फसल उगाते हैं, ठीक है. देन डिजॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, वाटर में शुगर डिजॉल्व करते हैं, दीज ऑल आर ह्यूमन मेड चेंजेस, ठीक है. फूड ग्रेन्स भी हम उगाते हैं तो ह्यूमन मेड चेंज, क्योंकि जब हम सीड्स को सो करते हैं ना, बीजों को जब हम बोते हैं तभी जाके वो फसल क्या होती है, उगती है, ठीक है. तो दैट इज़ अ ह्यूमन मेड चेंज. ओके, सो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन मेड चेंज. दीज वर नेचुरल चेंज एंड दीज आर ह्यूमन मेड चेंज. ओके, सो देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ चेंजेस टेकिंग प्लेस अराउंड अस कंटिन्यूसली, ठीक है. बहुत सारे चेंजेस है जो हमारे चारों तरफ कंटिन्यूसली होते रहते हैं. कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप टुगेदर, क्या हम इनको ग्रुप कर सकते हैं एक पर्टिकुलर कैटेगरी में. जैसे हम पढ़ते हैं ना साइंस में, हर चीज़ों के टाइप्स होते हैं, है ना. जैसे हमने फाइबर्स के टाइप्स देखे थे, तो क्या चेंजेस के भी टाइप्स होते हैं. यस, चेंजेस को भी हम ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है. किस में कर सकते हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस. ओके, सो फर्स्ट वन इज़ रिवर्सिबल चेंज. देखते हैं हम रिवर्सिबल चेंज क्या होता है, ठीक है. नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, रिवर्सिबल चेंज, द चेंज दैट कैन बी रिवर्स्ड ईजीली. ओके, ऐसे चेंजेस जिनको हम वापस कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है. बाई रिवर्सिंग द कंडीशंस टू ऑब्टेन अ सब्सटेंस, कैसे, जिन कंडीशंस को अप्लाई करके हमने वो चेंज को लाया था, ठीक है, उसी कंडीशंस को अगर हम वापस रिवर्स कर दें तो द चेंज कैन बी रिवर्स इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म. ओके, सो इट इज़ कॉल्ड अ रिवर्सिबल चेंज. जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है, बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है आइस का, ठीक है. हम क्या करते हैं, फ्रीज़र में आइस जमाते हैं, वाटर से फ्रीज करते हैं तो वो आइस बन जाता है. अगर हम उसी आइस को वापस बाहर निकाल के रख दें रूम टेम्परेचर पे, तो क्या होगा, वो जो आइस है वो वापस वाटर बन जाएगा. सो इट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज, राइट, ठीक है. मैंने क्या किया, कंडीशंस को रिवर्स कर दिया. पहले मैंने उसे लो टेम्परेचर दिया था, फ्रीज़ किया था, तो वो आइस बन गया था. अब मैंने क्या किया, कंडीशन रिवर्स किया, मैंने वापस उसको बाहर टेम्परेचर में निकाल दिया, ज़्यादा टेम्परेचर में, है ना, जो कि फ्रिज के कंपैरिजन में बाहर का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है, गर्म होता है हमारा रूम, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू फ्रिज, ठीक है. सो वहाँ पे क्या हो गया, उसको वापस वही कंडीशंस मिल गई वाटर बनने के लिए, देन इट चेंज्ड इनटू वाटर. ओके, सो द चेंज दैट कैन बी रिवर्स्ड इजीली बाय रिवर्सिंग द कंडीशंस टू ऑब्टेन अ सब्सटेंस इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज. नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स. एज आई टोल्ड यू, आइस एंड वाटर का एग्जांपल, व्हेन वी हीट आइस, ठीक है, अगर हम आइस को लेकर अगर हम हीट करें तो इट मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर, वाटर बन जाता है वो, ठीक है. एंड व्हेन वी कूल दिस वाटर, इट अगेन चेंजेस इनटू आइस, जो मैंने बताया आपको, ठीक है. देन सो द चेंज ऑफ आइस इनटू वाटर कैन बी रिवर्स्ड बाय कूलिंग, ठीक है. सो मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ रिवर्सिबल चेंज. ओके, मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ रिवर्सिबल चेंज. ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, आइस मेल्ट हो रहा है हमारा, ठीक है, मैंने बाहर निकाला आइस को एंड देन इट मेल्टेड अगेन, ठीक है. और इसी वाटर को मैं कलेक्ट करके वापस अगर फ्रीजर में रख दूँ, ये जो वाटर यहाँ पे बन गया है, देन इट विल चेंज टू आइस अगेन. ओके, सो इट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज. ओके, देन व्हेन वी बॉइल वाटर, जब हम वाटर को बॉइल करते हैं तो क्या होता है, इट चेंजेस इनटू स्टीम, दिख रहा है आपको, स्टीम में बदल जाता है, वाटर वेपर में भाप निकलती है उससे. और जब हम इसी भाप को ठंडा करते हैं, ठीक है, तो इट चेंजेस इनटू वाटर अगेन. हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में कंडेंसेशन, अ लिक्विड चेंजेस इनटू, सॉरी
गैस चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग, जब हम गैस को ठंडा करते हैं तो वो वापस लिक्विड में चेंज हो जाता है, दैट इज़ नोन एज कंडेंसेशन. ठीक है, सो हियर व्हाट वी डू, इफ़ वी कूल दिस स्टीम देन इट चेंजेस इनटू लिक्विड अगेन. सो द चेंज ऑफ वाटर इनटू स्टीम कैन बी रिवर्स्ड बाई कूलिंग. ओके, सो बॉइलिंग ऑफ वाटर इज ऑल्सो अ रिवर्सिबल चेंज, यू कैन से. ओके, सो हियर यू कैन सी दैट वेन वी हीट आइस इट मेल्ट्स एंड फॉर्म्स वाटर. ओके, देन वेन वी हीट दिस वाटर इट इवापोरेट्स एंड फॉर्म्स वाटर वेपर. ओके, देन अब इसी का उल्टा चलते हैं, रिवर्स चलते हैं. ठीक है, वेन वी कूल वाटर वेपर वी गेट वाटर. ठीक है, एंड वेन वी कूल वाटर वी गेट आइस. राइट, सो ऑल दिस फ्रॉम आइस टू वेपर दिस होल प्रोसेस इज रिवर्सिबल चेंज. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब. ये भी क्या है, रिवर्सिबल चेंज है. क्यों? क्योंकि ग्लो कब करता है इलेक्ट्रिक बल्ब, जब हम क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं. हमारे घरों में जब हम स्विच ऑन करते हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो ग्लो करने लगता है, जलने लगता है, और जैसे ही हम स्विच ऑफ करते हैं क्या होता है, वो बंद हो जाता है. सो इट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज. ओके, देन रबर बैंड, स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर बैंड, ये सब ने किया है ना, हम सब ने रबर बैंड से खेला है. तो रबर बैंड को हम क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, देन उसको वापस छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, वो वापस अपने पुराने साइज़ में आ जाता है. जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं तो उसका साइज़ जो है वो बढ़ जाता है ना, स्ट्रेच करते हैं तो, और जब छोड़ते हैं तो वापस उसी साइज़ में आ जाता है. सो इट इज़ ऑल्सो अ रिवर्सिबल चेंज. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन एंड सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ चेंज, दैट इज इरिवर्सिबल चेंज. सो द चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड इवन बाई चेंजिंग द कंडीशंस टू ऑब्टेन अ सब्सटेंस बैक इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड एन इरिवर्सिबल चेंज. जस्ट रिवर्सिबल चेंज का उल्टा होता है ये. ठीक है, इसमें क्या होता है, जो चेंज हो गया है एक बार, ठीक है, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते. ठीक है, इवन जिन कंडीशंस में हमने वो चेंज लाया है, उन कंडीशंस को अगर हम वापस दें उसको, तो भी वो जो सब्सटेंस है वो वापस उसके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आएगा. ठीक है, सो दिस इज नोन एज इरिवर्सिबल चेंज. फॉर एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड. ठीक है, अगर हम पेपर और वुड को हीट करें, ठीक है, पेपर को हीट करें तो क्या होता है, वो जलने लगता है. ठीक है, तो अगर उस आग को हम बुझा दें, ठीक है, उसको हीट हम देना बंद कर दें, आग को अगर हम बुझा दें, तो क्या वापस वो पेपर बन जाएगा, नहीं बनेगा, है ना. एक बार जब वो पेपर जल गया तो वो राख में बदल जाएगा. इट विल नॉट, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड इनटू पेपर अगेन. ठीक है, वी कैन नॉट चेंज इट इनटू पेपर अगेन. सो इट इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज. ओके, नाउ लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स. द फर्स्ट वन यू कैन सी हियर इज द ग्राइंडिंग ऑफ व्हीट, ग्राइंडिंग ऑफ सीरियल्स, है ना. गेहूँ सब पिसाते हैं हम अपने घरों में रोटी बनाने के लिए. ठीक है, तो गेहूँ एक बार आपने पिसा दिया, आटा बन गया उसका, तो क्या आप वापस उससे गेहूँ बना सकते हैं, बना सकते हैं, नहीं बना सकते, है ना. सो इट इज़ अ इरिवर्सिबल चेंज, हम उसको वापस नहीं कर सकते. देन बर्निंग ऑफ क्रैकर्स, यू कैन सी बर्निंग ऑफ क्रैकर्स. दिवाली में हम सब पटाखे फोड़ते हैं, फुलझड़ी ली हमने, फुलझड़ी जलाई, फुलझड़ी पूरी जलने के बाद क्या हम वापस उसको बना सकते हैं पहले जैसे, नहीं बना सकते, है ना. इट इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज. अनार एक बार जो हमने जला दिया वो जला दिया, क्या वो वापस हो सकता है वैसे पहले जैसा, नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि उसके अंदर के जो केमिकल्स हैं वो चेंज हो गए हैं, बदल गए हैं. वो किस में बदल गए हैं, लाइट, साउंड और केमिकल्स में बदल, गैसेस में बदल गए हैं, है ना. देन एजिंग, यस एजिंग, हम जब पैदा होते हैं, है ना, जब हम छोटे से बच्चे होते हैं, धीरे 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 हम बड़े होने लगते हैं. राइट, बड़े होते 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 एडल्टहुड में आते हैं, देन एडल्टहुड से बड़े होते होते हम ओल्ड एज में जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एजिंग बोलते हैं ना. हम टाइम के साथ क्या होती है, हमारी एज बढ़ती जाती है. तो क्या ये एजिंग जो है, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, वापस बच्चे बन सकते हैं क्या बड़े होने के बाद, नहीं, है ना. सो इट इज़ ऑल्सो अ इरिवर्सिबल चेंज. ओके, देन वी हैव ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. प्लांट की जो ग्रोथ होती है ना, हमने छोटा सा पौधा लगाया अपने घर में, वो पौधे को हमने पानी दिया और धीरे 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 वो बड़ा हो गया. अब बड़े होने के बाद क्या वो वापस वैसे ही छोटा बन सकता है, क्या छोटा हो सकता है, एक बार जिस प्लांट की ग्रोथ हो गई, क्या वो वापस उसकी हाइट और उसका जो साइज़ है वो कम हो सकता है जैसा पहले था, नहीं हो सकता. ठीक है, सो दिस इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज. ठीक है, तो रिवर्सिबल चेंजेस क्या हैं, जिन्हें हम वापस कर सकते हैं, जिन्हें हम रिवर्स कर सकते हैं. ठीक है, और इरिवर्सिबल चेंजेस क्या हैं, जिन्हें हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं. ठीक है, ओके,
नाउ लेट्स मूव ऑन एंड आंसर दिस, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. देखते हैं अब कुछ चीज़ें जो हैं वो रिवर्सिबल होंगी यहाँ पे, ठीक है. आपको गेस करना है पहले, देन आई विल टेल यू द आंसर. और कुछ जो चेंजेस होंगे वो इरिवर्सिबल होंगे, ठीक है. नाउ लेट्स सी द फर्स्ट वन. ओके, बॉइलिंग ऑफ एन एग. बॉइलिंग ऑफ एन एग क्या लगता है आपको, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? हमने एक बार एग को बॉइल कर दिया, देन वो वापस हम उसको कच्चा कर सकते हैं? वेरी गुड, योर आंसर इज नो, है ना. सो इट इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज. सिमिलरली इडली, इडली बनाती है मम्मी सबके घर में, बैटर होता है इडली का, घोल होता है, उससे इडली बन गई. अब उस इडली को हम वापस बैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते. वेरी गुड, सो इट इज़ ऑल्सो अ इरिवर्सिबल चेंज. देन थर्ड इज ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स. हमने कपड़े धोए, गीला था कपड़ा, हमने धूप में सुखा दिया, अब हम उसको वापस गीला कर सकते हैं? यस, सोचो. वेरी गुड, कर सकते हैं, राइट. हम उसको जब वापस पानी में डुबाएंगे तो वो वापस गीला हो जाएगा, है ना. मतलब हम उसकी कंडीशन को चेंज कर देंगे, हम उसको धूप से पानी में लेके जाएंगे तो वो वापस रिवर्स हो जाएगा, राइट. वापस गीला हो जाएगा. सो यू आर राइट. लेट्स मूव ऑन एंड सी द नेक्स्ट चेंजेस. ओके, द फर्स्ट वन इज निटिंग ऑफ यार्न. हमने पढ़ा है ना, यार्न जो धागा होता है हमारा, उसको हमने निट कर दिया, हमने स्वेटर बना दिया, ठीक है, ऊन से. अब हम उसको वापस ऊन बना सकते हैं, धागा निकाल सकते हैं वापस? येस, यू आर राइट. सो इट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज, है ना. जब हम उसकी निटिंग को खोल देंगे तो वी कैन ऑब्टेन द यार्न अगेन. देन राइपनिंग ऑफ फ्रूट. एक बार हमारा फ्रूट जो है वो पक गया, ठीक है, राइपनिंग हो गई उसकी, देन हम उसको वापस रॉ बना सकते हैं, कच्चा बना सकते हैं? नहीं बना सकते. सो इट इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज. देन वॉट अबाउट ग्राइंडिंग व्हीट इन टू फ्लावर. एक बार हमने वीट से फ्लावर बना दिया, अब हम उस फ्लावर को वापस बना सकते हैं वीट? नहीं बना सकते. सो इट इज़ ऑल्सो एन इरिवर्सिबल चेंज. गुड, यू आर डूइंग गुड चिल्ड्रन. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट चेंजेस. यस, हॉट मिल्क टू कोल्ड मिल्क. इज इट रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल? गर्म दूध था, हमने उसको ठंडा कर दिया, अब हम उसको वापस गर्म कर सकते हैं ना? यस, कर सकते हैं. सो इट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज. देन ब्लूमिंग ऑफ अ फ्लावर. ये क्या है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल? एक बार जो कली है वो फूल बन गई है, ठीक है, देन हम उसको वापस बड बना सकते हैं फ्लावर को? नहीं. सो इट इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज. ओके, देन पनीर, मिल्क टू पनीर. आपकी मम्मी घर में बनाती है ना, मिल्क से, दूध से पनीर बनाती हैं, तो ये चेंज रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल? एक बार हमने दूध से पनीर बना दिया, हम वापस अब पनीर से दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते. ओके, सो इट इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज. नाउ नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ क्रैकर्स. ये तो बहुत ही ईजी है ना. क्रैकर्स हमने बर्न कर दिया, अब वापस हम उसको पहले जैसा बना सकते हैं? नहीं बना सकते. ओके, सो इट इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज. देन वॉट अबाउट स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड. अभी बताया था मैंने आपको, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड कैसा है, रिवर्सिबल, है ना. स्ट्रेच करके हम वापस उसको अपनी पुरानी ही साइज में, शेप में ला सकते हैं, ठीक है. देन वॉट अबाउट मेकिंग बायोगैस फ्रॉम काउ डंग. ओके, इसको मैं समझाती हूँ आपको. काउ डंग क्या होता है, गोबर, है ना. तो जो गोबर होता है, काउ डंग होता है, उसको हम यूज़ करते हैं बायोगैस बनाने के लिए, ठीक है. उससे जो गैस हम प्रोड्यूस करते हैं उसको हम बोलते हैं बायोगैस, ठीक है. तो ये जो बायोगैस है, इसे हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, है ना, बहुत सारी जगह यूज़ करते हैं. सो हमने काउ डंग से बायोगैस बना दिया, अब उस बायोगैस से हम वापस काउ डंग बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते. ओके, सो इट इज़ ऑल्सो एन इरिवर्सिबल चेंज. नाउ नेक्स्ट, कुकिंग ऑफ फूड. हो सकता है हमारा चावल एक बार पक गया, दाल एक बार पक गई, या पिज़्ज़ा बन गया हमारा, देन हम उसको वापस उसके रॉ मटेरियल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है ना. सो इट इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज. देन वॉट अबाउट मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम. हम सब ने आइसक्रीम खाई है, है ना, और मेल्ट भी होती है. क्या करते हैं हम, मार्केट से पहले फैमिली पैक लेके आते हैं ना, फैमिली पैक लाने में अगर हमको घर पहुंचने में लेट हो गया, है ना, वो क्या होती है, मेल्ट होने लगती है ना, बाहर के टेम्परेचर पे जब वो निकाल के देते हैं अपने फ्रीज़र से. तो अगर हम घर जल्दी पहुंच गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर हमें घर पहुंचने में थोड़ा सा लेट हो गया तो क्या होता है, वो मेल्ट होने लगती है. तो हम क्या करते हैं, उसको सीधा फ्रीज़र में डाल देते हैं पहले, है ना. तो इट इज़ एन
रिवर्सिबल चेंज है ना, रिवर्सिबल चेंज है ये। हम मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम को वापस क्या कर सकते हैं, उसको मेल्टिंग को रोक सकते हैं, उसको वापस सॉलिड कर सकते हैं, राइट। सो इट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज। देन वॉट अबाउट रस्टिंग ऑफ आयरन, ये यू कैन सी दिस इज रस्टिंग ऑफ आयरन, दैट मीन्स आयरन के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ठीक है, उनमें जंग लग जाती है ठीक है, अगर हम उनको बाहर ऐसे ही छोड़ दें और वो नमी से क्या होता है उनके ऊपर एक ब्राउन ब्राउनिश रेड कलर की लेयर जम जाती है ठीक है, जिसको हम रस्ट बोलते हैं। तो इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, नहीं कर सकते ठीक है, इट इज़ ऑल्सो अ ऑल्सो एन इरिवर्सिबल चेंज। ओके, सो दीज वर सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज। देन देर इज़ वन मोर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू डिस्कस विथ यू, इट इज़ गिवन इन अवर बुक ऑल्सो एज एन एक्टिविटी टू स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम वार्म मिल्क। यस, हम सबके घर में दही जमती है, मम्मी दही जमाती हैं है ना। सो ये दही कैसे जमाती है मम्मी, कुछ अलग से पाउडर आता है क्या इसका? नहीं आता है ना, अगर आपने देखा होगा तो। इसके लिए मम्मी क्या लेती हैं, सिर्फ एक कंटेनर चाहिए उनको, वार्म मिल्क चाहिए, और दूध को दही बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, दही की। यस ठीक है, तो क्या करते हैं हम उसमें वार्म मिल्क लेते हैं ठीक है कंटेनर में, देन हम उसमें एक चम्मच दही ऐड कर देते हैं और उसको स्टर करके थॉरली उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करके मिलाने से क्या होता है, वो दही जो है पूरा फैल जाती है ठीक है। एंड देन हम उसको कवर करके वी लीव इट फॉर 4 to 5 hours, 4 से 5 घंटे के लिए हम उसे छोड़ देते हैं। उसके बाद हम क्या देखते हैं, 4 से 5 घंटे बाद जो मिल्क था कंटेनर में, इट चेंजेस इनटू कर्ड। कर्ड क्या होता है, सेमी सॉलिड होता है ना, ना तो पूरा सॉलिड ना पूरा लिक्विड, सेमी सॉलिड, एंड इट हैज़ अ सार टेस्ट, खट्टा होता है, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मिल्क। तो हमने क्या किया, मिल्क से क्या बनाया, कर्ड बना दिया। सो वी कैन कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, राइट, हमने मिल्क से कर्ड बनाया। नाउ कैन वी कन्वर्ट कर्ड इनटू मिल्क अगेन, कर्ड से वापस हम मिल्क बना सकते हैं, दही से वापस दूध नहीं बना सकते हैं ना। सो इट इज़ ऑल्सो अ ऑल्सो एन इरिवर्सिबल चेंज। ओके, सो वॉट इज़ द कंक्लूजन, द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज। ओके, सो ये जो चेंज है ये हम अपने घरों में ही देखते हैं ठीक है, बहुत सारे चेंजेस ऐसे जो हमने अपने घरों में देखे हैं। नाउ नेक्स्ट टाइम हमारे आसपास कुछ भी चेंज होगा ठीक है, कुछ भी, तो यू विल ऑब्जर्व एंड यू विल ट्राई टू फाइंड आउट वेदर इट इज़ रिवर्सिबल और एन इरिवर्सिबल चेंज। ओके, यही आपका होमवर्क है, आपको अपने चारों तरफ देखना है और लिस्ट बनानी है ऐसी चीज़ों की जो, ऐसे चेंजेस की जो रिवर्सिबल हैं और ऐसे चेंजेस जो इरिवर्सिबल हैं। ओके, सो दिस वॉज अवर टूडेज क्लास एंड आई विल सी यू इन आर नेक्स्ट क्लास। ओके, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।